नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से एक्स लेटर से मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर आप पहले एक बड़ा सा एक्स लेटर लिख दीजिएगा। इस तरह आपको एक एक्स लेटर लिखना होगा और इसके बाद दोस्तों आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको क्या करना है, पहले इसको हम यहाँ पर ऐसे एक आर्क लगाते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरह आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, एक लाइन हम और यहाँ पर ऐसे करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे लाइन आप बनाते जाइए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा। एक लाइन इधर से ऐसे बढ़ाइए और नीचे के साइड में भी आप ऐसे लाइन बढ़ा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। अब दोस्तों हमें यहाँ से देखिएगा, ऊपर से ही इधर ऐसे एक आर्क लगाना है और इसको अंदर के साइड में घुमा देना होगा। घुमाने के बाद दोस्तों आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर लाइन ड्रॉ करके छोटा छोटा आप ऐसे सर्कल बना देंगे। फिर दोस्तों इसको आप ऐसे डबल करिए, डबल करते हुए इधर से ले जाइएगा और यहाँ से ऐसे ले जाइए, थोड़ा हल्का सा अंदर बाहर करते हुए ऐसे मिला देंगे। एक वी लेटर लिखिएगा, यहाँ पर आई बनाइए। आई बनाने के बाद दोस्तों इधर आप ऐसे छोटे छोटे आर्क लगाते जाइएगा तो ये अंदर वाला बन जाएगा। इस साइड आपको एक वी लेटर लिखना है, फिर से एक वी लेटर लिख दीजिएगा। नीचे के साइड में एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। इधर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इधर से इसका लेग बनाइए, इस साइड भी आप आसानी से इसका लेग बना देंगे तो ये बन गया मोर का लेग। दोस्तों लेग बनाने के बाद अब हमें यहाँ से ऐसे करना है, इसको घुमाते जाइए इधर फिर इधर, फिर एक यहाँ पे करिएगा, पूरा लास्ट तक आप ऐसे बना दीजिएगा। यहाँ पर आप इसका पंख बना दीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से हमारा एक्सलेटर से बहुत ही सुंदर सा मोर का चित्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इस मोर को आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।